दोस्तों अभी अभी आधार कार्ड के पीडीएस सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अगर आप पीडीएस सेंटर खोलना चाहते हैं तो अब आप घर बैठे मात्र 2 मिनट में दोस्तों अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से पीडीएस सेंटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार दोस्तों आपको पीडीएस सेंटर मिल जाए फिर आप आसानी से राशन कार्ड के कई सर्विसेज पर काम कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर किसी के भी राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, राशन वितरण कर सकते हैं जिसका राशन कार्ड बना हुआ है कम पैसों में, मतलब कि ये सारी सर्विसेज पर आप काम कर सकते हैं। ये सब चीजें करने के लिए दोस्तों आपको एक फिक्स सैलरी दी जाएगी। आपकी सैलरी कितनी होगी वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे आप पीडीएस सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों पीडीएस सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको टाइप करना है राशन मित्र, उसके बाद आपको स्पेस देना है और अपने स्टेट का नाम डालना है। जैसे कि आप बिहार दे सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश दे सकते हैं या फिर आप मध्य प्रदेश दे सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप पीडीएस सेंटर खोलना चाहते हैं उस स्टेट का यहां पर नाम टाइप करना है। उसके बाद आपको इसे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आप यहां पर देख लीजिए हमने राशन मित्र सर्च किया है और हमारे स्टेट का जो पोर्टल है इस प्रकार से आ चुका है। तो आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। इसे जैसे आप ओपन करेंगे आपके स्टेट का जो राशन मित्र का पोर्टल होगा इस प्रकार से खुल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो उचित मूल्य दुकान पंजीकरण के लिए आवेदन करें, यहाँ पर दोस्तों रेड कलर में ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको आवेदन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस फॉर्म को आपको पूरा का पूरा फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है संस्था की जानकारी। जो संस्था की जानकारी है दोस्तों उसे आपको बिल्कुल सही सही यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर सभी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जैसे कि संस्था का प्रकार हो गया, आवेदक संस्था का नाम हो गया, उसके बाद जिला हो गया, इस प्रकार से आपको ये सभी चीज़ें फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ चले आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अध्यक्ष की जानकारी, आपको अध्यक्ष की पूरी जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले अध्यक्ष का जो नाम है वो यहाँ पर, अध्यक्ष के पिता का नाम यहाँ पर डालना है, उसके बाद जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर डालना है, उसके बाद जो पता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है और आधार नंबर यहाँ पर। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों अध्यक्ष की फिलअप कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर सदस्यों की जानकारी आपसे मांगा जाता है, तो वो भी दोस्तों आपको यहां पर पूरा का पूरा फिलअप कर लेना है। नाम हो गया, उसके बाद लिंग हो गया, वो यहाँ पर सारी ऑप्शन दिए गए हैं, जाति सब कुछ फिलअप कर लेना है। ऐड के ऊपर क्लिक करके और भी सदस्य आप जोड़ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रबंधक की जानकारी, अब आपको प्रबंधक की भी जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे कि नाम, जन्म तिथि हो गया, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उसके बाद निवास का पता हो गया, पिता का नाम, ये सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर दुकान गोदान का जो पता है वो आपको मतलब कि डालना है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डाल देना है। जो भी पता है दुकान का वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि जो दुकान है वो आपका स्वयं का है या फिर किराया पे आपने लिया है, तो हम यहाँ पर स्वयं का सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है बैंक का विवरण, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको IFSC कोड डाल देना है, यहाँ पर आपको खाता नंबर देना है, दोबारा से यहाँ पर आपको खाता नंबर डाल देना है। इस प्रकार से आपको ये सभी चीज़ें फिलअप कर लेना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है संस्था की पूंजी, आपको यहाँ पर संस्था की पूरी जो पूंजी की डिटेल है उसे यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप पूरी डिटेल दे देते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे आना है और यहाँ पर आपको संस्था के बारे में अन्य जानकारी डाल देना है, जिसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आप ये जो पीडीएस सेंटर है ये किस जिला में किस जनपद में खोलना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों का आपको चयन करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर जिला का चयन करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से दोस्तों आपको अपना जो जनपद है उसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना जो ग्राम पंचायत है उसे भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से ये सब चीज़ें होने के बाद यहाँ पर आपको वार्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों ये पूरा का पूरा सेलेक्ट है और फॉर्म भर जाए वैसे दोस्तों आपको एक बार रीचेक कर लेना है सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद आपको सिंपली दोस्तों अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है।
इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दोस्तों कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी चीजें अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका एक फिजिकल बोल सकते हो वेरिफिकेशन होगा। जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपका जो आईडी है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आसानी से आप पीडीएस सेंटर खोल सकते हैं। उसके बाद जो राशन कार्ड की सर्विसेस है उस पर आप काम कर सकते हैं। राशन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं, राशन वितरण कर सकते हैं। उसके बाद आपको 15,000 रुपए तक की एक फिक्स सैलरी दी जाएगी ये सभी चीजें करने के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों आप पीडीएस सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पीडीएस सेंटर खोल सकते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि कई कई राज्यों में ये जो पीडीएस सेंटर है ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके स्टेट में पीडीएस सेंटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं। अगर हो रहा है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया सेम वही प्रोसेस फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए फिर दोस्तों आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जहां पर राशन वितरण होते हैं वहां पर, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।